Hey guys, किताब जी, this is YMNG. Welcome back to my channel. अब तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि कल का दिन हमारे सबके लिए इतना स्पेशल क्यों था. It was Tanzeel Khan's success party. It was Dastan's success party. And wow, we had so much fun. बहुत मजा किया. It went really good. आपने तो देख ही ली होगी सारी क्लिप्स, बिकॉज काफी मैंने एडिट्स देख ली हैं एंड काफी पैप्स भी थे, तो उनकी जो क्लिप्स थी उसके भी काफी एडिट्स मैंने देखे. तो यस, गुड जॉब ऑन एडिट. एंड रात को मैं पार्टी में ही देख रहा था कि वहां पे एडिट बन गया था. इतने फास्ट होना कि आधे घंटे में जब हम पैप उसके बाद उन्होंने पोस्ट किया, उसके बाद एडिट भी बन गए थे. तो गाइस आर सुपर फास्ट. बट आई ट्राई टू व्लॉग अ लॉट ऑफ थिंग्स वहां पे, जितना मेरे से हो सका मैंने ट्राई किया. एंड काफी व्लॉग तो कर ही दिया था एंड वीडियो पोस्ट कर दी थी. एंड आई होप यू लाइक द वीडियो. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट टुडेज डे, मेरा हेडेक अभी भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है. कल भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है. सो मेरा जब ऐसा कुछ थोड़ा सा हेडेक होता है या फिर मेरे को थोड़ी सी मेरी तबियत खराब लगती है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जिम चला जाता हूँ. एंड वहां पे मेरा वर्कआउट करने के बाद सब सही हो जाता है. पता नहीं, ये स्ट्रेंज है बट हो जाता है. सो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ. काफी लेट मॉर्निंग हुई है बिकॉज कल की नाइट बहुत ज्यादा लंबी थी, तो लेट ही उठे हैं. एंड उठने के बाद थोड़ा एडिट किया, बैठा, रेस्ट किया एंड उसके बाद अब रेडी होकर मैं जा रहा हूँ जिम. सो जिम में जाते हैं, वर्कआउट करते हैं अच्छे से. होपफुली जो सारी हेडेक है वो निकल जाएगी जिम में. सो यस. एंड मेरे को आपसे बात नहीं करनी है कुछ वेरी इंपॉर्टेंट, बट वो मैं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं शाम को करूंगा घर आके फ्री होकर. सो यस, अभी चलते हैं जिम. लेट्स गो. सो इज डन विद द जिम एंड काफी दिनों के बाद जिम लगाया, सो इसलिए थोड़ी लाइट ही लगाई, ज्यादा हैवी नहीं लगाई. एंड ऑल्सो यस, मेरा हेडेक सही हो गया, ये पता नहीं कैसे बट हो जाता है हर बार. सो घर जाके थोड़ा कुछ खाते हैं एंड रेस्ट करते हैं. लेट्स गो. सो गाइस, मैं जिम से वापस आया एंड जैसे आपको पता है कि मेरा दो दिन से सिर दुख रहा है, तो ये मैडम मेरे लिए फ्लावर्स लेके आई हैं, वाइट फ्लावर्स एंड वाइट रूम. That's true. That's true. I guess for the first time मेरे को किसने flowers दिए हैं? Emo moment. हाँ, मतलब मैंने दिए हैं लोगों को, मेरे को पहली बार. Wow, excited. तो ये flowers आ चुके हैं. क्या हो गया? नहीं देख रहा. आपके लिए भी लेके आओगे? बीच में आना होता है इसको, बस मैं बात कर रहा था तो बीच में आ गया. वो flower को ही दे रहा है. कैसे हो आप? अच्छा, आ जाओ बैठ. ब्रॉनी के लिए हमने ये बना दिया बिकॉज जब से इसने बॉल खाई है तब से थोड़ा सिक्योरिटी ज्यादा में हो गई है. अभी टेबल टेनिस खेल रहे थे बाहर, तो यहाँ पे थोड़ा सिक्योरिटी, मतलब मेन दरवाजा भी बंद है वैसे तो, बट ये भी सिक्योरिटी रखती है आपके लिए, ताकि आप सिर्फ खाना खाओ, बॉल्स ना खाओ. ठीक है, गुजरी. तो अभी हम शायद थोड़ी देर में कहीं बाहर जाएंगे, एक फ्रेंड को मिलना है. एंड मी शंकु तो जा रहा है, इसका अभी देख रहे हैं. अभी डिसाइड करेगी ये क्या प्लान बनता है. थोड़ा हाँ, इसको मैंने लास्ट मिनट बताया, थोड़ा रेडी नहीं है, बट टोपी डाल लेती है तो रेडी हो जाती है. तो उन्नति मी है शंकु विल गो. ब्रॉनी आपको चलना है साथ में? ब्रॉनी के साथ मैंने वीडियो डाली है, ब्रॉनी का रिएक्शन देखा ही होगा रील्स पे, इतना क्यूट यार. ह्यूमन रिएक्शन देते हो आप, ह्यूमन ही हो आप, है ना? ह्यूमन हो आप. गुड्डी शर्मा गया, मुंह नीचे कर लिया, शर्मा के जा रहे हैं. क्या ऐसा मत बोला करो. ये तो लॉल हो गया हमारे साथ बहुत. मैं पूरे पूरे ब्लॉग में बोल रहे कि हमने बहुत बड़ी प्रोटेक्शन रखी है इसके लिए, सिक्योरिटी ये इधर से दो के निकल गया था. बेइज्जती कर दी है तो ब्रॉनी आपने, तो एक्सपोज कर दिया. आप सकते हो, एक्सपोज कर दिया आपने. अब वहीं पे रहो, आपने बेइज्जती की हमारी वहीं. ठीक है, एक्सपीरियंस शेयर करो आप कल का. आपकी वीडियोस ये हर जगह फैन पेजेस पे कितने बड़े बड़े कैप्शन लिखे हैं. शेयर करने शेयर बोल रहा है. शेयर करने शेयर बोल रहा है. बताओ जो हूँ आपके जैसे हूँ. आप नहीं तो मैं नहीं, मैं नहीं तो कुछ नहीं. ये भी सही है. बट नहीं, बहुत सही था ऐसा. और वन ऑफ योर मोस्ट स्पेशल डे. हाँ, बहुत स्पेशल था क्योंकि पहली बार एक तो एल्बम किया और मतलब
क्योंकि हम सबको मालूम है कि इतना अच्छा क्रेजी रिस्पॉन्स इतना पहला था, उतना आया नहीं जो भी सीन, बट एक्चुअली बट जब वहाँ पे थे लोगों को गाने पता है एक्चुअल लोगों को सेल्फ सेटिस्फेक्शन कभी कुछ हमने जैसे देखा कि हम लोग आपस में जैम करते हैं सब कर रहे थे तो नेक्स्ट बहुत अलग एक्सपीरियंस था। हाँ, तो अभी आप नेक्स्ट एल्बम करोगे कि सिंगल्स आएंगे? तो सिंगल्स निकाल के एल्बम निकालना थोड़ा बहुत बड़ा वो भी हो जाता है। लेकिन अगर एल्बम निकाल भी सकता है, अगर निकालेंगे ना, बट विजुअली कनेक्टेड नहीं होगी। हाँ, वो दैट वाज वेरी टफ। वो मतलब ऐसे एल्बम में अलग अलग गाने होंगे, एल्बम अगर है 8-10 गाने की तो मतलब 3-4 वीडियो बनाए, बाकी नहीं बनाए। सब वही करते हैं आजकल, जो तूने किया वो नहीं करता कोई। सारे गाने की वीडियो तो कोई भी नहीं निकालता, आई गेस बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अभी एल्बम हो चुकी है फाइनली, सब डन, सो सिंगल्स आने वाले हैं बहुत जल्दी। yes. उसका वेट कर, बस खाली एक वीडियो देगा लास्ट कंपाइलेशन जो हमने कल देखी सबने। अच्छा, वो भी डलेगी उसके बाद में, फिर हमारी जो कल पार्टी हुई उसकी वीडियो डलेगी। ओहो, उसका हाँ शूट हो रहा था, मतलब बहुत कुछ आ रहा है, आप वेट करो। एंड बहुत कुछ आ रहा है, एंड घर पे भी कोई आया है। ब्रानी जाओ देख के आओ कौन है। ओ देखो, हमें कहीं जाना है एंड ये मैडम यहाँ पे बैठी हैं। मैम एक्सक्यूज मी मैम प्लीज, थोड़ा थोड़ा सा आप हटेंगे, एक्चुअली हमें जाना था कहीं पे, थोड़ा लेट हो रहे हैं हम पार्टी के लिए। शिट्स, जो स्टेयर कर रही है कहता। हाँ जी प्लीज़ यहीं से रास्ता आ जाओ, आ जाओ यहाँ से। हाँ आप इधर से भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम, आप वापस आएंगे तब बैठ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो एक जगह हमने थोड़ी सी पार्टी कर ली है एंड अब हम जा रहे हैं हमारी सेकंड लोकेशन पे। तो आज हम थोड़ी क्लब हॉपिंग करने वाले हैं, पहली लोकेशन हो चुकी है अब। हेलो गाइस, सो कल हम पार्टी से बहुत ज्यादा लेट आए, इसलिए मेरे को आउटरो करने का टाइम ही नहीं मिला, सो मैं अभी कर रहा हूँ। प्लस मैंने आपको कल बोला था कि मेरे को आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो वो मैं अभी कर लेता हूँ। मैं अभी एडिट करने वाला था वीडियो, तो मैंने सोचा उससे पहले आउटरो भी कर लेता हूँ एंड वो बात कर लेता हूँ। सो द थिंग इज, आपको पता है कि मेरा मेन इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन का सोर्स है मेरा यूट्यूब कमेंट सेक्शन, एंड मैं उसको बहुत ज़्यादा देखता हूँ। मैं हर वीडियो के बाद पूरा कमेंट सेक्शन चेक करता हूँ, आपके फीडबैक्स देखता हूँ, एंड वहीं से ही मेरे को अपनी सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है फॉर माई कॉन्टेंट। एंड इन द रिसेंट डेज वैसा नहीं हो पा रहा है, मेरे को उतना इंस्पिरेशन नहीं मिल रही, इतनी मोटिवेशन नहीं मिल रही है, एंड काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स हैं। पहले भी होते थे बट अभी रिसेंट डेज में काफ़ी ज़्यादा है, एंड वो मेरे को अभी मेरा इंस्पिरेशन का सोर्स नहीं लग रहा। इसलिए मैं बहुत इन अ हम्बल वे आपसे इसके रिगार्डिंग बात करना चाहता था, बिकॉज यू ऑल गाइज आर लाइक फैमिली टू मी। तो मैं ऐसा थोड़ा स्ट्रेट फेस टू फेस, कैमरा टू कैमरा बात कर सकता हूँ। सो यस, मैं जस्ट ये बोलना चाहता हूँ कि मैं डेली व्लॉग्स कर रहा हूँ, एंड डेली व्लॉग्स का मतलब मेरे लिए होता है कि जो मेरे साथ हो रहा है, जो मेरे साथ लोग हैं, वो ट्राई करूँ मैं शूट करने की, एंड डेली व्लॉग्स कर रहा हूँ मैं। बट कई लोगों को लगता है कि मैं डेली सोप बना रहा हूँ या डेली सोप शूट कर रहा हूँ, एंड लोग कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं जो मेरे लिए करना पॉसिबल ही नहीं है, जो प्रैक्टिकली मैं कर ही नहीं सकता, एंड उसी के बारे में बार 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 लिखते रहते हैं, एंड पूरा कमेंट सेक्शन वही होता है। मेरे लिए जो जो पॉसिबल है शूट करना, जो मैं कर रहा हूँ पूरे दिन मैं वो रिकॉर्ड करूंगा, जो मेरे साथ लोग होंगे मैं उनको ही रिकॉर्ड कर सकता हूँ, जो मेरे साथ लोग नहीं हैं, मेरे आसपास नहीं है, मैं उनको कैसे रिकॉर्ड करूंगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं ज़बरदस्ती सबको रिकॉर्ड करने जाऊँगा। मेरे लिए डेली व्लॉग्स बहुत मैं नेचुरल रखना चाहता हूँ। मैं नहीं करना चाहता कि मैं आपको कुछ फेक दिखाऊं या फिर कुछ भी दिखाऊं, जो हो रहा है लाइफ में मैं वो ही दिखाना चाहता हूँ। एंड ये मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आपको बोल रहा हूँ कि मैं कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं रखना चाहता अपने डेली व्लॉग्स में, बिकॉज उसका फिर मतलब ही खत्म हो जाएगा। मैंने कमेंट्स कहीं देखे थे कि आपने लिखा हुआ था कि डैम फैम चेंज हो गया, 2018 वाला अलग था, 2022 वाला अलग है। पर जस्ट वांट टू से गाइस, ऑफ कोर्स चेंजेस तो आएंगे ही, सबकी लाइफ में आते हैं, आपकी लाइफ में ऐसा तो है नहीं कि जैसे आप पहले थे या फिर जो था वही चलता आ रहा है। जो भी ये सब चेंजेस हो रहे हैं, मैं आपको बस इतना बोलना चाहता हूँ कि जो इंटरनल लव है सबके बीच में वो उतना ही है, हम सब एक दूसरे को उतना ही प्यार करते हैं, तो आप टेंशन मत लिया करो। और मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है कि जब मैं उन्नति के साथ वीडियोज बनाता हूँ आप बोलते हो कि आप बाकियों के साथ नहीं बनाते, जब मैं उन्नति के साथ नहीं बनाता आप बोलते हो कि आपकी लड़ाई होगी, आप एक दूसरे के साथ वीडियो क्यों नहीं बना रहे। तो बहुत ज्यादा वो डिफरेंस लोगों की थिंकिंग में हो जाता है जो कमेंट सेक्शन में दिखता है। तो आई जस्ट वांट टू से कि गाइस, आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं जो आपको चाहिए वो, हाँ
वो इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ मैं 2 मिनट में। सो मैं पूरा ट्राई करता हूँ कि आपको रियल वे में जो भी हो रहा है वो दिखा सकूँ। और तो मैंने देखा कमेंट्स में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक दो बंदे को टारगेट करके ये लिखते हैं कि ये बंदा ये इग्नोर हो रहा है, यहाँ पे ये इग्नोर बहुत हो रहा है। वो बंदा इग्नोर नहीं भी हो रहा होता ना तो आप उसको कमेंट्स लिख कर वो ऐसा फील करवा देते हो। तो गाइस हमें पता है कि हम एक दूसरे में से किसी को ऐसा नहीं कर सकते इंटेंशनली, एंड कोई किसी को इग्नोर नहीं करता। मैं आ लास्ट पर्सन जो किसी को भी डैम फैम में से इंटेंशनली इग्नोर करूंगा। मेरे लिए सब बहुत ज्यादा इक्वल है, मैं सबको इक्वली बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तो प्लीज आई जस्ट वांट टू से कि जो मेरा कमेंट सेक्शन है जिससे मैं बहुत ज्यादा मैं यूट्यूब से इंस्पायर होता हूँ। मेरे को बेस्ट पार्ट यूट्यूब का ये लगता है कि मैं उसका जब कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं अपने कॉन्टेंट के लिए बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूँ। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू गाइस कि उसको जितना पॉजिटिव रख सकते हो प्लीज रखो, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं वो कमेंट सेक्शन में आए, वो देखें कि ऐसा वो मेरे को भी अफेक्ट कर रहा है एंड उनको भी अफेक्ट कर रहा है। सो यस, बहुत ही ज्यादा हम्बल वे में आई वॉन्टेड टू से दिस, बट मेरे को लगता है ये किसी को तो बोलना था हम सब में से, तो मैंने बोल दिया। एंड यहाँ से मैं आउटरो करता हूँ। आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड बाकी देखता हूँ मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ इस वीडियो पर भी। चलो सी यू, बाय।